हे वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ये रोड को बना सकते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, तो फोटोशॉप में जब भी हमें बनाना होता है तो क्या होता है कि हमें कुछ टेक्सचर चाहिए होता है। ये हमारे पास रोड का टेक्सचर है जो हम यूज़ करेंगे। ये मेरे पास एक न्यू फाइल है जहाँ पर मैंने एक PDF को क्रिएट किया था लाइन्स के साथ, जो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करके ले आई। नेक्स्ट हमें जाना है जो अपना टेक्सचर है उसको आप पकड़ के ड्रैग करोगे अपने फोटोशॉप में। ये आ गया, मान लीजिए हमारे पास टेक्सचर थोड़ा छोटा है, ठीक है, कंपेयर टू मी, मेरे पास था कि फुल एडजस्ट हो सकता है। इनकेस आपके पास कुछ टेक्सचर इतना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रोड के ऊपर ऐसे उसे पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे रखा बीच और जितना रोड है उससे थोड़ा थोड़ा बाहर जाना चाहिए, क्लियर। फिर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करते ही आप इस टेक्सचर को आगे आगे मूव करते जाएंगे। सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे, देन यू कैन मूव इट। अब मुझे इतना लग रहा है कि ये जो तीनों हैं, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, क्लियर, और इसको मैंने ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने से क्या हुआ कि हमारा जो टेक्सचर था वो इजीली फिट हो गया, क्लियर। अब मान लीजिए कहीं पे छोटा बड़ा करना है, देन यू कैन एडजस्ट। तीनों लेयर हो गया, अब मैंने इन तीनों को मर्ज कर देना। वी हैव टू मर्ज, तीनों को सिलेक्ट किया, राइट साइड क्लिक किया एंड देन मर्ज लेयर, मर्ज लेयर कर दिया। इस लेयर को मैंने कर दिया ऑफ, हाइड किया। अब आपको रोड वाली लेयर पे जाना है, यू हैव टू यूज द मैजिक बॉन्ड टूल, सी ऑन द लेफ्ट साइड। मैजिक बॉन्ड टूल को सिलेक्ट किया और रोड वाले एरिया को आपने एक बार क्लिक कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अपने टेक्सचर को ऑन करना है। अब सिलेक्शन कहाँ हुई है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एरिया है वो कैसे हटाएंगे, उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे मास्क। आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड बॉटम में एक साइन है रेक्टेंगुलर, है ना, और उसमें सर्कल है, ये है हमारा लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क पे क्लिक किया, अब आप देखोगे इस लेयर पे जब मैंने इसको क्लिक किया तो क्या हुआ, उसके साथ एक लेयर मास्क ऐड हो गया, उसमें व्हाइट और ब्लैक कलर शो हो रहा है। व्हाइट कलर दिखा रहा है कि जहाँ पे हमारा टेक्सचर है और ब्लैक कलर दिखा रहा है जहाँ हमारा टेक्सचर जो है रिमूव हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये लाइंस, यहाँ पे हमें यूज करनी है ये टेक्सचर लाइन है, ये कुछ शेडो है, ठीक है, डॉटेड लाइंस है। उस केस में हम लोग यूज करेंगे हमारा पेन टूल, शॉर्टकट है पी। पेन टूल में भी हमें यूज करना है शेप को, और जो यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट फिल को हमें करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कि हमें फिल नहीं चाहिए। स्टॉक के केस में आप यूज करोगे आ वाइट कलर, क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, नॉर्मली आप सिलेक्ट करोगे, मान लीजिए मुझे यहाँ यूज करना है, क्लिक किया एक बार, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और सामने वाली बात जाके क्लिक करेंगे। क्या शिफ्ट क्यों किया मैंने, सो दैट कि हमें वो स्ट्रेट लाइन में मिले। अगर आपको लग रहा है कि इस स्टॉक की थिकनेस ओके है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पे आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपका स्टॉक का साइज इंक्रीज होता रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 65, मेरे केस में 65 यूज हो रहा है। एक साइड हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करके इसे हमें मूव कर देना है नेक्स्ट साइड। दोनों साइड हमें क्या मिल गया, एक एक शेप, जो व्हाइट कलर की लाइन जो हमें चाहिए थी, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, सेम लाइन तो चाहिए बट सेंटर में चाहिए जो हमें शो करे, लाइक है ना हिडन कट वाली लाइन। वापस से पेन टूल को यूज करेंगे पी और अप्रोक्सीमेटली सेंटर में एक क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ सेकंड क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारे पास। और इसकी जो हमारी स्टॉक की थिकनेस है वो हम इसमें भी 65 यूज करेंगे। अब 65 के साथ आप देखोगे एक लाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, अगर हमें सॉलिड लाइन चाहिए तो, और अगर हमें सी हिडन लाइन चाहिए, उस केस में हिडन लाइन मैंने यूज किया। अब हिडन लाइन तो मैंने यूज कर लिया, मुझे क्या लग रहा है कि थोड़ा पास पास है ना, है और ज्यादा स्पेस चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करके इसको कंट्रोल प्लस करेंगे सो दैट वो जूम हो जाए। सी यहाँ पे पकड़ के आपने नॉर्मली इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है, जैसे ड्रैग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। किसी भी चीज का साइज को इंक्रीज करना है,
ये चीज आ गया. अब मुझे लग रहा है थोड़ा साइड में है, मैंने इसको सिलेक्ट किया नॉर्मली, लिटिल बिट आपने इसको मूव कर दिया कि आपको ध्यान रखना है कि वो चीज क्या रही, सेंटर में आई. अब हमारे पास इसमें लाइंस भी आ गई हैं, ठीक है, हिडन लाइन भी आ गई है. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, आप देखोगे फ्लैट लग रही है हमारी रोड. सिलेक्ट किया हमने जब इस लेयर को, तो हमें क्या मिल रहा है कि इस एरिया में मुझे थोड़ी सी डेप्थ चाहिए. उस केस में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस लेयर पे जाके, या फिर पहले हमने रोड वाली लेयर को सिलेक्ट किया, इसको मान लीजिए हम ऑफ करते हैं. मैजिक वॉन्ड के साथ मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, सिलेक्ट किया मैंने. सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसमें से लाइक सब्सट्रैक्ट कर देनी है चीज़ें. सब्सट्रैक्ट वाले सिलेक्शन पे गए आप, और जितना ये है वाइट वाला लाइन उतना उतना एरिया रखेंगे हम, और सेंटर वाले एरिया को कर देंगे सब्सट्रैक्ट. सेंटर वाले एरिया को करेंगे सब्सट्रैक्ट. तो अभी क्या है, दोनों साइड पे हमारे पास सिलेक्शन है, सिर्फ दोनों साइड पे. अब हम क्या करेंगे, ये लाइंस है, इस लेयर के ऊपर हमें क्रिएट करनी है नई लेयर, और जो ये लाइंस हैं ये ऊपर ही रहेंगी. यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रश, बी प्रेस करेंगे. ब्रश में हम लोग यूज करेंगे सॉफ्ट ब्रश, सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज करेंगे, और उसका जो लाइक साइज है वो थोड़ा इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज करने के लिए ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, सॉफ्ट ब्रश, ठीक है, इतना आ गया. और कलर हमें यूज करना है ब्लैक, ठीक है, कहाँ पे, जो अभी हमने लेयर बनाई, फर्स्ट क्लिक किया आपने, ठीक है, यहाँ पे. तो आप क्या करोगे, नॉर्मली ड्रैग करते जाएंगे, माउस को पकड़ के ड्रैग इट. सेम चीज वी हैव टू रिपीट ऑन द अदर साइड. अब ये तो बहुत डार्क लग रहा है, क्या करेंगे, कंट्रोल टी सी, बहुत डार्क लग रहा है. तो क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी ओपेसिटी को करेंगे कम. क्लियर है, वो डेप्थ आ गई हमारे पास, जो साइड में थोड़ा डार्क फॉर्म में दिखाएगी. आप जो ओपेसिटी है वो अकॉर्डिंग टू लाइक ड्राइंग हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. फिल को कम करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा मर्ज हो जाएगा. तो लिटिल बिट आप फिल के साथ प्ले कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं. ज़्यादा वर्क किस पे करना है, हमें ओपेसिटी पे वर्क करना है. क्लियर है, कैसे हम लोग अपनी एक नॉर्मल टेक्सचर के साथ प्रॉपर रोड को डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर फिर भी डाउट रहेगा देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.